यह है विकी की केस हिस्ट्री। सरकार ने इस केस की जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंपी है। थैंक यू सर, मुझे इसी का इंतजार था। कुमार, कश्यप सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सब का एक अजीज ऑफिसर था। विकी को एक सिपाही की हैसियत से गिरफ्तार करना तुम्हारा फर्ज है। इसमें किसी किस्म की पर्सनल बदले की ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू सर, एक ना एक दिन उस मुजरिम को आपके सामने जरूर लाऊंगा। पिछले सीआरडी इंस्पेक्टर की जगह कुमार साहनी, जो अभी अभी पुणे से ट्रांसफर होकर बंबई आया है। इसकी हिस्ट्री? उम्र 26 साल, गांव का नाम लखीमपुर, परिवार में एक बहन और बूढ़े माँ बाप। जी हाँ, लेकिन हमारे आदमियों पर अभी तक उसकी निगाह नहीं पड़ी। सर, एक बहुत बुरी खबर है। संबंध से जो हमारा जहाज 2 करोड़ का सोना लेकर आ रहा था, उड़ा दिया गया। उड़ा दिया गया? किसने? सर, माधवन ने। माधवन? कौन है ये माधवन? दमन का एक नया स्मगलर जो बॉस के मुकाबले में आना चाहता है। इस माधवन से आप एक बार मिल चुके हैं सर, लास्ट क्रिसमस पार्टी में। कैसा है उसका चेहरा? मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। एक मिनट सर। सर, पिछले 3 महीने से आदमी हमसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहा है और अब तक जिंदा है, लेकिन उसे इतनी आसानी के साथ खत्म नहीं किया जा सकता। काफी खतरनाक आदमी और काफी फोर्सेस भी हैं उसके साथ। दिलावर? यस सर। उसे खत्म करने के लिए कितना वक्त चाहिए? 24 आवर्स, 48 सर, वो 3 डेज, 1 वीक, हाउ मेनी डेज? सर, मेरा ख्याल है कि ये लोग ठीक कहते हैं, इसके लिए कोई प्लानिंग की जाए तो बेहतर है। बेंचमैन, अपना रिवॉल्वर मुझे दे दो। सर, आप खुद? मुझे डरपोक ऑफिसर और खतरनाक दुश्मन पसंद नहीं। सर, ये रहा माधवन का चेहरा। मेरा ख्याल है एक बार उसे वार्निंग दी जाए तो अच्छा रहेगा। माधवन, मुझे कंपटीशन से सख्त नफरत है। यस स्वीटहार्ट। तुम्हारे लिए फोन है। किसका है? विकी का। लगता है उसे सब मालूम हो गया है। हेलो। रेनबो बिली शटा। Just a minute, please. Hold on. नहीं, कोई खास बात नहीं। वो मेरे कुछ कुत्ते शोर मचा रहे थे, चुप हो गए। हाँ कहिए। मिस्टर विकी, ये टेलीफोन पर धमकियां माधवन को सुबह शाम मिलती है, लेकिन कोई मर्द का बच्चा सामने नहीं आता। ये मेरी बदकिस्मती है। ओके ओके, लेट मी एंजॉय। आइए आइए विकी साहब, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। काश आपकी उम्र भी बहुत लंबी होती माधवन साहब। मैं जानता हूं इस महफिल में ज्यादातर तुम्हारे आदमी हैं। इनसे कह दो कोई होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता इनकी औरतें हमारी गोलियों का निशाना बन जाएं। आज फैसला सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच होगा। ये भी कोई फैसला हुआ?
कि आपके हाथ में पिस्तौल और मैंने हत्था। नहीं, विक्की कभी किसी पर बुजदिल की तरह वार नहीं करता। उठाओ उठाओ रिवॉल्वर। अगर विक्की बनने का शौक है तो उस रिवॉल्वर की गोली मेरे सीने के पार कर दो। मुकाबला बराबर का होना चाहिए। आज हम दोनों में से एक को जीने का हक होगा माधवन साहब। अब से ठीक 15 सेकंड बाद हम दोनों अपने रिवॉल्वर उठाएंगे और मर्द का बच्चा कौन है इसका फैसला हमारी गोलियां करेंगे। डील? आई लाइक इट। नो, डोंट वरी लव। जीना इसी को कहते हैं। यस विकी। बेस्ट ऑफ लक माधवन। सब लोग खामोश खड़े रहो। उठाओ इसे, ले चलो। चलो के ऑपरेशन कामयाबी की खुशी में हमारे सब लोग सेशन हॉल में जश्न मना रहे हैं। उनकी रिक्वेस्ट है कि आप भी चंद लम्हों के लिए उनके साथ शरीक हो जाएं। आई एम सॉरी बेंजामिन, उन्हें मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दो। तुम तो जानते हो मुझे तन्हाई पसंद है। प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके सर। मिस्टर दिलावर, आप हमारे डेन के एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं। जी। फिर तो आप हमारे डेन के उसूलों से भी वाकिफ होंगे। जी हाँ। क्या उसूल है हमारे? सर, शराब, सिगरेट और लड़की। फिर भी आपने? सर, आई एम सॉरी सर। सॉरी शब्द से हमें सख्त नफरत है, ये आप जानते हैं। सुना है बगावत करने वाला सिपाही राजा की जान का दुश्मन हो जाता है। आज देखना यह है कि हमारा वफादार ऑफिसर क्या रंग दिखाता है। हम पर गोली नहीं चलाओगे मिस्टर दिलावर? इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ होने के नाते मैं आपको हुक्म देता हूं कि एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने के जुर्म में आप अपने आप को सजाए मौत देंगे। नो,
I hereby order you to shoot yourself. No. तुम अपने आप को गोली मारोगे. Shoot yourself. Shoot. Shoot. I say shoot yourself. Mr. Benjamin, दिलावर के घर वालों को दिलावर की लाश और 2 लाख रुपए पहुंचा दिए जाएं.